जब पढ़ करके आए, मैंने इससे पहले भी ये वाकया सुनाया है, तो मसला ये था कि हमारे बगल में जो साहब थे उनकी आदत ये थी, अब दुनिया में नहीं रहे, अगर मुस्लिम साहब थे चले गए, कि अपने घर का कूड़ा सुबह सुबह उठते थे, अपने घर का जो है सब साफ करते और अपने सामने की जो गलाजत होती सब कूड़ा करकट बटोर करके ला करके मेरे घर के सामने, बिल्कुल खंभा था वहां पर लाकर रख दिया, रोजाना का उनका मामूल था, रोजाना उनका यही मामूल था। उसके बाद हमारी बहन थी उस वक्त, तो वो झाड़ू लगाती थी, वो जब जाती तो गुस्से में आती और वो जो कचरा होता उसको झाड़ू से उधर मार देती, फिर वो जब ऊपर से नीचे उतरते वो झाड़ू से फिर इधर मार देते, यही चलता था। जब हम घर आए तो हमारी दादी उस आया थी, उन्होंने हमसे कहा कि यह सूरत हाल है, हमने कहा कि कोई बात नहीं, कि ना उससे कहा, हमने कहा कहने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, हम बताएं क्या करना है। दूसरे दिन हम नमाज पढ़ करके आए, उनसे पहले वो आते थे तकरीबन 6:30-7 बजे तक आते थे, हम नमाज पढ़ करके आए, सबसे पहला काम झाड़ू उठाए, झाड़ू लेकर के अपना घर झाड़ू लगाए और अपने सामने और उनका जो हमारे बगल में गैर मुस्लिम साहब थे उनका पूरा चबूतरा झाड़ करके उनके आगे का सब कुछ झाड़ वड़ करके जितना कूड़ा करकट बटोर करके ले जाकर कूड़ेदान में डाल दिया। अब वो 6:30 बजे जब झाड़ू लेकर के नीचे उतरे तो देखे अरे सब साफ, कहां कूड़ा मारे कहां फेंके देख रहे कुछ है ही नहीं, इधर उधर देखे बेचारे फिर चले गए। दूसरे दिन फिर यही मैंने किया, तीसरे दिन फिर यही मैंने किया, चौथे दिन, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, दूसरे की बात नहीं बताता, मैं अपनी बात बता रहा हूं, चौथे दिन मैंने देखा कि वो साहब जो थे वो झाड़ू उन्होंने लगाया, उस चौथे दिन मैंने छोड़ दिया, नहीं लगाया, उन्होंने अपना भी लगाया और हमारा ज्यादा नहीं पूरा, बस थोड़ा सा इतना लगा करके और उसको लेकर के हमारे दरवाजे पर नहीं लगाया, उसको लेकर के अपनी ही तरफ एक जगह इकट्ठा करके रख दिया कि अभी कूड़े वाला आएगा उठा ले जाएगा। और फिर ऊपर से पानी छिड़का, उन्होंने पानी छिड़कते थे तो हमारी तरफ भी पानी छिड़का, अपनी तरफ भी पानी छिड़का, मसला लोगे। फिर बीमार हुए तो कहलवाया कि बुला, उनको बुला लाओ, हमको जो है पढ़ करके दम कर दे, हम गए पढ़ करके हमने दम किया, तरावी मुकम्मल हुई तो हम मिठाई भी लेकर के, हमने कहा देखिए कुरान मुकम्मल हुआ है प्रधान साहब लीजिए, बहुत खुश हुए, बहुत मानते थे। उसके बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कूड़ा हमारी तरफ लगाए फिर मरकर चले भी गए, क्योंकि हमारे नबी ने हमें यह तालीम दी है। और कचरा दूसरे की तरफ फेंकते हैं तो क्या मतलब, मतलब यह है कि आपने यही तालीम सीखी है, किससे यह तालीम सीखी है, ना कुरान में यह है ना हदीस में यह है, किससे यह सीखा है। अपने महल्ले को हम गंदा रखते हैं, यह कहां से हमने तालीम लिया है, क्या गंदगी ईमान सिखलाता है, इस्लाम सिखाता है कि अपने महल्ले को गंदा रखो। इसलिए रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना और पाकी और सफाई और सुथराई का एहतमाम करना ये ईमान का हिस्सा है, और जो इसका एहतमाम नहीं करता उसका ईमान नाकिस। इसको अच्छी तरह समझ लें, ईमान नाम खाली नमाज पढ़ने का नहीं है। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसके अलावा सारे मामलात उनके खराब हैं, लेन देन उनका खराब, सफाई सुथराई खराब, सारी चीजें खराब है। भाई ईमान जब जिंदगी के अंदर आता है तो सारे शोबों के अंदर निखार पैदा हो जाता है, फिर उसका लेन देन कैसा होगा, साफ सुथरा। किसी से अगर कर्ज लेगा तो जो वक्त है उस वक्त पर जाकर के अदा करेगा, और नहीं है तो जाकर के कहेगा उससे कि भैया ऐसा इंतजाम नहीं हो पा रहा है, हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, ये नहीं कि फोन बंद कर देगा अपना। ईमान वाला अगर होगा तो मामला साफ सुथरे रखेगा, सफाई सुथराई का एहतमाम करेगा, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, सबसे बड़ी चीज अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, ये ईमान वाले की अलामत होती है। तो हम सबको कामिल ईमान वाला बनना है इंशाअल्लाह।